लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा सीएए। अमित शाह ने किया ऐलान, कहा कोई कानून को लेकर भ्रम में ना रहे। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 पर लगी मुहर, होंगे कई बदलाव। अब की बार 400 पार, संसद में नमो हैट्रिक वाली हुडी पहनकर पहुंचे अनुराग ठाकुर। चौधरी चरण सिंह का जिक्र कर रहे थे जयंत चौधरी, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया सवाल, सभापति ने टोकते हुए कहा हर किसान को आहत कर रहे हैं आप। ओवैसी ने लोकसभा में किया सवाल, क्या मोदी सरकार 6 दिसंबर की घटना पर जश्न मना रही है, मुसलमानों को क्या मैसेज दे रही सरकार। अगर योगी आदित्यनाथ कोलकाता आए तो उन्हें निकलने नहीं देंगे, जमीयत उलमा के सदर सिद्दीकुल्ला चौधरी का बयान। सीएम योगी सनातन के प्रतीक हैं, उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं, जमीयत उलमा प्रमुख के बयान पर बोले गिरिराज सिंह। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने संदेश खाली मामले में किया केंद्रीय गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने राजभवन पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, संदेश खाली में शांति बहाल करने की मांग। भारत में ऐसी कोई जाति नहीं जिसे अनुसूचित जाति कहा जाए, बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। अब भारत में म्यांमार के बीच नहीं होगी फ्री आवाजाही, ट्रैवल डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा में पीएम मोदी ने किया पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ, कहा उन्होंने बेहतर तरीके से किया देश का मार्गदर्शन। राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी पर हमला, कहा वो ओबीसी नहीं तेली जाति में पैदा हुए थे। सोनिया गांधी ने किया सुपर पीएम जैसा काम, बिना पतवार के नाव जैसी थी यूपीए सरकार, बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जेएनयू में फिर बवाल, छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई बैठक में झड़प, भिड़े एबीवीपी और वामपंथी समर्थक। ज्ञानवापी पर गिरफ्तारी का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर को झटका, सुरक्षा हटी, गनर वापस बुलाए गए। कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका, 48 साल बाद बाबा सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर सामने आई बड़ी खबर, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बदल सकती है तस्वीर, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के एक, बीजेपी के दो विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा करारा झटका, जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने थामा बीजेपी का दामन। चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। हिंसा प्रभावित संदेश खाली में धारा 144 लागू, इंटरनेट पर प्रतिबंध, महिलाएं कर रही हैं शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग। बाबा रामदेव के शेयर का कमाल, कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 217 करोड़ रुपए का दिया रिटर्न। जांच कराओ ये कैसा चुनाव है, पाकिस्तान के इलेक्शन पर अमेरिका यूरोप ने जताई चिंता। ऑस्ट्रेलिया को हरा साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने रचा इतिहास, 75 ओवर चले मैच में लगा सिर्फ एक अर्धशतक।